एवरीवन, वेरी लवली गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये जो व्लॉग है ये है 28 अगस्त का और मॉर्निंग का टाइम है। घर के सारे काम हो गए हैं, मैं जस्ट नहा के आई हूँ। तो पानी ना बालों में से टप टप टपकता रहता है, इसलिए मैं ना पहले इनको थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। पहले टावल लगाया मैंने, फिर उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी और उसके बाद टावल को यहीं पर सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर घर के जो सारे काम हैं वो सुबह वाले हो चुके हैं। अब नहाने के बाद जैसे कि घर की पूजा करना है, फिर नाश्ता बनाना है, तो ये सारे काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी नाश्ते में बना रही हूँ आज पोहा। तो उसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और आज मैं दो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला, उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी पीनट। तो ये वैसे मैं रोस्ट करके रखती हूँ, लेकिन अगर आप पोहा बना रहे हैं थोड़ा सा फ्राई करके बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल दी जितने मुझे चाहिए उतने, और इनको मैं ऑयल में डाल दूँगी और फ्राई करके पहले मैं इनको निकाल लूँगी, उसके बाद फिर इसमें प्याज वगैरह फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद मैं इनको एक प्लेट में निकाल देती हूँ। ऊपर से डालने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सारा तैयारी करके रखी है, जैसे कि प्याज, हरी मिर्ची वगैरह। तो पहले मैं इसमें थोड़े से सरसों के दाने डालूँगी, मतलब राई, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च डालूँगी। इसमें तीखा करने के लिए मैं सिर्फ हरी मिर्च डालती हूँ, लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करती क्योंकि पोहे में अच्छा नहीं लगता लाल मिर्च। उसके बाद मैं यहाँ पर करी पत्ता भी डाल दिया था थोड़ा सा। उसके बाद मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ आलू और थोड़े से मटर, फ्रोज़न मटर हैं, ये ऐड कर दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी जिससे सारी चीज़ें जल्दी से पक जाएंगी, और इनको थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही छोड़ दूँगी। और यहाँ पे ये टमाटर मैंने एक काट के रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा बचा लिया है ऊपर से डालने के लिए। टमाटर को मैं पकाती नहीं हूँ, बस इतने में ही थोड़ा बहुत पक जाएगा वो। लाल हल्दी पाउडर मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। उसके बाद भीगा हुआ पोहा पहले ही धो के रख दिया था मैंने, उसके बाद नमक ऐड कर दिया स्वाद के अनुसार, और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर और बहुत थोड़ी सी मैं चीनी ऐड करती हूँ पोहे में, अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ऐड करके देखना, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते, थोड़ी सी ऐड करते हैं, पोहा टूटे ना, इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको चलाना रहता है, इसलिए मैं ये वाला स्पैचुला का यूज़ करती हूँ, इससे पोहा टूटता भी नहीं है। और हरा धनिया डाल दिया था, फिर मेरा जो पोहा है गर्मा गर्म। नाश्ते में पोहा अच्छा लगता है, और मैं वैसे बहुत कम बनाती हूँ पोहा वगैरह, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत दिन के बाद बनाते हैं तो खाने में फिर अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ आप डेली बनाएंगे और जल्दी जल्दी बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो चला जाता है, बहुत दिन के बाद बनाते ना तो उसका अलग ही स्वाद आता है। यहाँ पे थोड़े से प्याज टमाटर मैंने बचा लिए थे, वो ऊपर से डाल देंगे, इससे ना खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। थोड़े से फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं, ये तो हम डेली ही खाते हैं, और दोनों के लिए कट कर लेती हूँ मैं, इसलिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में देखते हैं। और यहाँ पर ऊपर से थोड़े से मैंने जो फ्राई किए हुए पीनट थे वो ऐड कर देंगे, और आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा नमकीन भी डाल सकते हो, बट मेरे पास था नहीं। गुड आफ्टरनून गाइस, आज है संडे और आज की डेट है 28 अगस्त, और मैं जा रही हूँ अभी लाइव, तो उसी के लिए तैयार हो रही हूँ, काम से फ्री हुई हूँ अभी। मैंने कुछ और सोचा था लाइव में करने का, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मुझे टाइम लगेगा और लाइव जाने का जो टाइम है वो करीब है, तो इसलिए मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ। वो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद बताऊंगी कि मैंने क्या सोच रखा था, चलिए बता देती क्योंकि ये ब्लॉग बाद में जाएगा, लाइव तो मैं आज ही आ रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं 30 मेकअप करूँ लाइव। कुछ लोगों को लगता है कि फिल्टर लगाती हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं लाइव जाऊँ और मेकअप करूँ। जो लोग 30 रखते होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा तैयार होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मुझे साड़ी वाड़ी पहननी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1:30 तो बज ही गया है, थोड़ा सा सेटअप वेटअप लगाना है और तैयार भी होना था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर कभी चलेंगे। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ संडे में, वैसे मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, सोचा कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बन ही जाएगा। अभी मुझे पता है एक ब्लॉग मेरा बना हुआ रखा है कल का, उसको एडिट नहीं किया अभी, मुझे करना है, करूंगी सारे काम लाइफ से हटने के बाद, सारे काम करूंगी फिर मैं। सूट मैंने यही पहन रखा है आज सुबह से ही।
तो चाहे वो डेली के व्लॉग्स हो या फिर मैं लाइव जा रही हूँ या फिर कभी रील भी बनाती हूँ, तो मैं बहुत मेकअप नहीं करती। जैसे कि बस मैंने आपको दिखाया लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और थोड़ा सा मॉइस्चराइज जो है वो अपने फेस को कर लेती हूँ मैं। इसके बाद मैं हो जाती हूँ रेडी, बस कॉम्ब कर लिया है मैंने। बाल थोड़े से मेरे गीले ही लग रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको ऊपर नहीं रखते हैं। और जब आप कोई प्लानिंग कर लेते हैं कोई काम करने की और वो काम नहीं होता तो बहुत गुस्सा आता है ना, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं प्लानिंग कर लेती हूँ फिर वो काम नहीं हो पाता। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। मैंने मतलब आज शेयर किया, सोच लिया था मैंने कि आज मैं आपके साथ 30 मेकअप जो है वो मतलब शूट कर लूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आगे क्या हुआ वो अभी आप खुद से देख लीजिएगा। तो अभी जस्ट मैं लाइफ से हटी हूँ और अब बाकी के अपने काम कर लेती हूँ। ये जो ब्लाउज है ये बहुत पहले ही स्टिच होके आ गए थे बट ये थोड़े से लूज थे, तो फिर से मैं इनको लेके गई और फिर से मैंने इसके ऊपर ठीक से मतलब काम करवाया, फिटिंग करवाई। उसके बाद अब ये ठीक है तो अब मैं इनको साड़ी के साथ रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कभी जब पहनना होता तो भड़बड़ नहीं होती है, मतलब एक तो पूरा मैं ये निकालती हूँ और इसी के साथ साड़ी मिल जाती है मुझे, पेटीकोट मिल जाता है, ब्लाउज मिल जाता है, क्योंकि तीनों में लगा के रखती हूँ साड़ी के साथ में, तो अलग अलग से नहीं लेना पड़ता, इसलिए मैं ऐसा करके रखती हूँ। खीर खाएंगे खीर। तो अभी टाइम हो गया है 5:30-6 का। मैंने अभी वीडियो एडिट किया है, 7 बजे का टाइम जो है वो रख दिया है। मेरा व्लॉग जो है वो लाइव हो जाएगा आज। पहले मैंने लाइव में पता है मना कर दिया था कि मैं आज व्लॉग नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने उसको तुरंत ही एडिट किया, सबसे पहले सारे काम छोड़ के, और फिर मैं सोचा कि मैं उसको आपके साथ शेयर कर ही दूंगी, आज संडे है इसलिए। तो ये है सेवई की खीर, कल बनाई थी मैंने रात को, और मुझे ना ठंडी खीर खाना पसंद है, फ्रिज में रख दो फिर। तो सुबह तो मैंने नहीं खाई लेकिन अभी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए खीर ले ली है। ये थोड़ी देर के लिए सो गए हैं क्योंकि पढ़ते पढ़ते ये भी थोड़ा सा थक गए थे, क्योंकि रात को देर रात तक पढ़ेंगे ना अभी, इसलिए खीर बहुत ही टेस्टी बनी थी यार, बहुत अच्छी लग रही है और ठंडी है ना तो और ज्यादा टेस्टी लग रही है। किस किस को पसंद है सेवई की खीर खाना? मुझे पहले ज्यादा पसंद नहीं थी लेकिन अभी ठीक लगती है। चलो खीर इंजॉय करती हूँ, फिर आगे जो कुछ भी रहेगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ मैंने रील्स भी बनाई तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे आपके साथ अच्छे अच्छे रील्स शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ID इंडियन यूट्यूबर शुभांशी। चलिए तो अभी हो गया है रात का समय और मैं ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा कि चलो मैं अपना कुछ काम ही कर लेती हूँ। कुछ तो नहीं कर पाई आज, जो कुछ सोचा था वो पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं किया। तो मैं यहाँ पे प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ और बहुत दिन से ये कपड़े धुले हुए रखे थे बट मैं प्रेस नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि चलो मैं प्रेस ही कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा मूड ख़राब है ना कि बस पूछो मत। तो गुस्से में मैंने पूरे कपड़ों पे प्रेस कर डाली और ये भी नहीं थे, ये होते तो थोड़ा सा आलस भी आ जाता है, बातें बातें करने लग जाते हैं। ये देखिए गाइस 7:11 बज गए हैं, मैंने अपने पूरे कपड़ों पे प्रेस कर ली और कुछ टाइम के लिए फ़ोन चला रही थी। अभी 11 बज गए हैं, अभी ये आए हुए हैं। जैसे ही मैंने गेट खोला और देखा कि ये तो है ही नहीं यहाँ पे, फिर मैंने नीचे की साइड देखा थोड़ा सा, तो आराम से फ़ोन चलाते हुए आ रहे थे ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया उनको ऊपर आते आते। मुझे पता चल जाता है क्योंकि मेन गेट की जो चाबी है वो देने के लिए मुझे बालकनी में जाना पड़ता है ना, इसलिए। तो बस अभी ये आ गए हैं और अभी लेट नाइट आ रहे हैं तो अभी लेट ही सोएंगे और सुबह तो जल्दी उठना ही है। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, सारे घर के काम हो गए हैं, आपको नहीं दिखाए गए। और इसके बाद मैं ऊपर छत पे गई थी, बहुत अच्छे अच्छे फूल आए हुए थे, रोज़ है और ये येलो कलर का फूल है, तुलसी के पत्ते हैं, तो आज ये कर रहे हैं पूजा, मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इनको फूल वगैरह ला के दे दिए थे। और आज के ब्रेकफास्ट में बन रहा है बहुत ही अच्छी रेसिपी, आपके साथ शेयर करिए, आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं।
तो यहाँ पे आप बहुत सारी वेजेस डाल सकते हैं। मेरे पास में शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर ये है तो ये डाल दिए मैंने यहाँ पे। मेरे पास पनीर था तो बारीक बारीक कट करके मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी और इसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। अच्छा, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और इसके बाद थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो भी ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी म्योर, तो मैं यहाँ पे मेयोनीज इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा नमक ऐड किया है स्वाद के अनुसार। थोड़ा कम ही ऐड करना क्योंकि चटनियों में भी नमक होता है और ये जो मेयोनीज है ये भी इसमें भी नमक होता है, तो मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। और ये न्यू बॉटल है तो इसको मैं ओपन ही कर रही हूँ अभी। और ये मैं 1 से 1.5-2 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। तो आज बहुत ही मन कर रहा था कि मैं सैंडविच खाऊं, बहुत टाइम से नहीं खाई थी, तो फटाफट वाली कौन आलू बॉईल करे, कौन क्या करे। और ये हेल्दी भी होती है, आलू हम लोग बहुत कम खाते हैं ऐसे। तो इसमें आप बहुत सारी बेजेस वगैरह सब कुछ डाल सकते हो। तो ये चीज़ स्लाइस रखे हुए थे मेरे पास अमूल के हैं, तो मैंने सोचा कि इनको निकाल देते हैं। 4 निकाले, ये डालना भूल गई थी। इसमें मटर और स्वीट कॉर्न है ये भी ऐड कर दो। मेरे पास जितना कुछ था ना सब दिमाग लगा के सब ऐड कर दिया मैंने इसमें। चॉपिंग बोर्ड निकाल देते हैं क्योंकि मतलब फिल करने में आसानी होती है। यहाँ पे ये ब्राउन ब्रेड लेके आए हैं आज ये, तो बस इनको मैं निकाल देती हूँ। छोटा पैकेट ही मंगाया है जैसे कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। ये अमूल का बटर है। और अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं एक कटोरी में ले रही हूँ केचप, टोमेटो केचप ले लिया मैंने। इसके बाद ये मैंने पिज्ज़ा पास्ता सॉस ले ली है, थोड़ी सी सेज़वान चटनी। तीनों चटनियों को अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसी को मैं ब्रेड पे लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। बटर अच्छा जितना अच्छा लगाओगे ना आप, उतना अच्छा सैंडविच आपका बन के तैयार होगा। चाहे आप आलू का बना रहे हैं, चाहे आप इस तरीके से मेयोनीज़ वाला बना रहे हैं, कोई भी सैंडविचेस बना रहे हैं ना, बटर अच्छे से लगाओ बस। यहाँ पे मैं जो सॉस हमने रेडी किया था उसको फैला लेंगे। और इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की है बेजेस वाली, वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। और खूब अच्छे से फिल करना, भर भर के, जितना भर सकते हैं उतना कर लेना, तभी मज़ा आता है सैंडविच खाने में। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको फिल कर देंगे। और अब दूसरा स्लाइस लेंगे। पहले ये जो चीज़ है ना इसको हम कट कर लेते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। और ये ना मतलब बहुत आसान होता है स्लाइस वाला चीज़, फटाफट से निकालो, एक लगाओ और छुट्टी, ना ही आपको ग्रेट करना है ना कुछ करना है, तो वो नहीं होता। दूसरा ब्रेड लिया, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं ये सॉस लगा देती हूँ जिससे ये वाला भी खाने में अच्छा लगे ऊपर वाला। इसको साइड में रख देंगे और मैं यहाँ पे दूसरा सैंडविच तैयार कर ले रही हूँ। तो 2 ब्रेकफास्ट रेसिपी में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और अच्छी अच्छी आपके पास आपके साथ लंच बॉक्स आइडियाज़ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने तवा रखा हुआ है, तवा गर्म हो गया, ऊपर से पहले बटर थोड़ा सा डाल देंगे और इसके बाद एक एक ब्रेड करके मैं यहाँ पे सेकूँगी। तवे पे ब्रेड बहुत ही अच्छे से सेक जाती है, मेरा ये मानना है। और अगर आप बटर अच्छे से लगाएंगे ना तो ये चारों तरफ से एक जैसा कलर आएगा, बहुत अच्छे से सेक के तैयार होगी। बिल्कुल सिम कर देना आप गैस का फ्लेम, क्योंकि जितना सिम पे आप इसको सेकेंगे उतना क्रिस्पी करारा और टेस्टी ये सैंडविच बनके तैयार होगा। तो बस ऊपर नीचे से अच्छे से बटर लगा दीजिए। और ये देखिए मैंने बटर लगा के इसको कट कर देंगे पिज़्ज़ा कटर से। आप चाहें तो छोटे स्लाइस में कर सकते हैं, बड़े में कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे आप स्लाइसेस करके इसको सर्व कर दीजिए। तो ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था और सॉस है साथ में, थोड़ा सा एप्पल कट कर दिया है। अनार हम लोगों ने मॉर्निंग में ही खा लिया था तो अभी अनार को स्किप कर दिया है। तो कैसा लगा आपको ब्रेकफास्ट, अच्छा लगा ना, तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दो जल्दी से। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। कैमरे के सामने है तो आपको मैंने ये वाली प्लेट दिखाई ना, बढ़िया। एक प्लेट मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, वो प्लेट जाती है मेरे हस्बैंड के पास में जब वो घर पे होते हैं, और जब वो घर पे नहीं होते हैं तो फिर वो प्लेट मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरा सैंडविच अपना तैयार कर रही हूँ, इसे गर्मा गर्म बनाती जा रही हूँ और इनको देती जा रही हूँ मैं। तो 1.5 इन्होंने खाया था और हाँ 1.5 ही शायद मैंने खाया था, क्योंकि अच्छा लग रहा था, कंट्रोल ही नहीं कर पाए। वैसे एक सैंडविच काफ़ी होता है, काफ़ी हैवी हो जाता है ना ये, इसलिए। तो ये देखो दूसरा सैंडविच भी मैं यहाँ पे, नहीं तीसरा सैंडविच मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। और आप लोग भी ट्राई करना, फिर मेरे साथ शेयर करना। अब कैमरे के पीछे वाली प्लेट कुछ ऐसी होती है, जो मिलता है उसमें मैं अपने लिए ले आती हूँ। भूख लग रही थी बहुत तेज, तो टोमेटो केचप लिया, वही एप्पल है, बस प्लेट में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, मैंने मेकअप शूट कर लिया? आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी से चीटिंग मत करना।
तो यहाँ पे देखो ये सारा सामान फैला हुआ है, इसको जगह पे रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कल से फैला है ये, कल मैंने सोचा था कल से फैला हुआ है, और अब मैं इसको फाइनली समेट के रख दे रही हूँ क्योंकि अब और नहीं देख पाऊँगी मैं इसको फैला हुआ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया गाइज, और ये कल रात में कपड़े प्रेस किए थे, ये मुझे लगाने हैं क्योंकि ये कल से ऐसे रखे हुए हैं, और इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ ना कि मैंने पूरी की पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया यहाँ पे, यहाँ तक कि रिंग लाइट भी रख ली थी अपना, मतलब ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ सेटअप मेरा पूरा कर लिया था, बट एट ए टाइम मैं नहीं कर पाई शूट, और उसका रीज़न अभी मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसा होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है मेरा, इसलिए अब मैं कोई प्लानिंग ही नहीं करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा उतना ही करूँगी, क्योंकि प्लान कर लेती हूँ धड़ा का धड़ा रह जाता है, कुछ भी नहीं हो पाया। तो बस यहाँ पे पूरा जो समय दूंगी मैं। तो गैस कल पता है क्या हुआ, कल रात को ये चले गए थे जैसे कि 8:30 नहीं 8 बजे तक ये निकल गए थे, इनको कहीं जाना था, फिर ये वहीं पे खाना खा के आए थे, और पता नहीं आज कैमरे को क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अकेली हूँ अपना काम जो वो करती हूँ, तो मैंने ये साड़ी जो निकाल रखी थी फेस्टिवल के हिसाब से अच्छी है ना, तो ये कलर भी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो 30 मेकअप है वो शूट कर लेती हूँ। बट क्या हुआ, मैंने ये जो ब्लाउज है पहना और ये जो इसके जिप है ये पूरी तरीके से खराब हो गई है। और ये अभी तो सही हो गई? नहीं सही नहीं है, खराब भी है ये, ठीक है, कहीं से लग रही है कहीं से नहीं लग रही है, कहीं से ओपन हो रही है। फिर मेरा मूड इतना खराब हुआ ना, एक तो ना यहाँ पे जाके आपका हाथ सही से पहुंचता नहीं है, और फिर पहुंचा जैसे तैसे मैंने इसको बंद किया, फिर ये खराब हो गई, तो फिर मैंने इसको चेंज ही कर दिया, फिर मेरा मूड खराब हो गया, फिर मैंने नहीं कोई मेकअप किया। मैं सोच रही थी और अपना टाइम भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज शूट करने बैठती तो कब शूट करूंगी, कब एडिट करूंगी, कल तो हरितालि का तीज है ही, वैसे मैं सोच रही थी हरितालि का तीज नहीं मतलब पूजा स्पेशल कर देती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो अभी ये ब्लाउज जो मुझे ठीक करवाना पड़ेगा, उनकी गलती है, ये पहली बार में हुआ है, ये सेकंड टाइम हुआ है। एक बार आपको ध्यान होगा मैं इंदौर शादी में गई थी, तब भी मेरी यहाँ पे जिप खराब हो गई थी, तो फिर उस कारण मैं वो लहंगा नहीं पहन पाई थी, और ये सेकंड टाइम हुआ है। तो उनको मैं बोलूंगी, लास्ट टाइम उनको मैं बोलूंगी कि प्लीज अगर आप जिप लगा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की लगाओ यार, इससे मत लगाओ कि कभी मुझे धोखा मिल जाए। अब ये धोखा मेरे साथ हो गया था, फिर मेरा मूड खराब हो गया, फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। यहाँ पे आपने देखा मैंने सारा सामान निकाल रखा था, यहाँ तक कि ये मेरी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकली रखी है, अब ये सब समेट के रखा है, क्योंकि सुबह से मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, सुबह से बहुत सारे काम पे काम थे तो वो सब कर रही थी, और आज थोड़ा सा मैं सो गई दिन में खाना खाने के बाद। और चली गई, सब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, कल है हरितालिका तीज, तो जो कोई भी हरितालिका तीज व्रत करते हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की ओर से। तो कल का ब्लॉग कैसा क्या रहने वाला है वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा। ब्लॉग पसंद आए थोड़ा भी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना, कल आपको अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिलेंगी। अगर मैंने हरितालि का तीज नहीं किया तो क्या होगा, रील्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे। तो सोच रही हूँ कि यार फेस्टिवल आ रहे हैं तो मैं मेहंदी लगा लूँ क्या अपने हाथों पे, देखती हूँ, प्लान तो कर रही हूँ, कल इनका एग्जाम है तो ये अपनी पढ़ाई में जो है बिजी है, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, नीचे से ही देखती हूँ एक मेहंदी का कौन लाती हूँ, फटाफट अपने हाथ में मेहंदी लगाती हूँ। कल बढ़िया बढ़िया तैयार होंगे, अच्छी अच्छी रील्स बनाएंगे, क्योंकि कल सुहागनों का दिन है, और जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है। चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।